जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है और आज की ये खबर सिगरेट से होने वाले नुकसान से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में स्मोकिंग करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, खासकर युवा इसकी चपेट में ज्यादा है। स्मोकिंग से सभी को कैंसर और दूसरी बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है, लेकिन सिगरेट की वजह से महिलाओं और लड़कियों की सेहत को ज्यादा नुकसान होता है। फिर भी सच्चाई ये है कि देश में स्मोकिंग करने वाली महिलाओं की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। एक सर्वे के मुताबिक शहरों में और खास तौर पर कामकाजी महिलाओं में सिगरेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और इसीलिए जरूरी है कि इस गंभीर मुद्दे पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सिगरेट का कश लगाने का ये शौक कब आदत में तब्दील हो जाती है पता नहीं चलता। शुरुआत ये सोचकर होती है कि बस एक या दो कश पर बात खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस बात को बखूबी जानते समझते हुए कि सिगरेट सेहत के लिए ठीक नहीं, लड़के और लड़कियों में स्मोकिंग की लत बढ़ती जा रही है। बड़े शहर हो या कस्बे या फिर गांव, आंकड़े बताते हैं कि स्मोकिंग करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। देखने वाली बात ये है कि स्मोकिंग करने वाली लड़कियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। हालांकि सिगरेट का जहरीला धुआं सभी के लिए खतरनाक है, लेकिन लड़कियों और महिलाओं को इससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। जबकि नए सर्वे के मुताबिक भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियाँ बहुत कम उम्र में स्मोकिंग की शुरुआत करती हैं। जाहिर है ये तस्वीर चिंताजनक है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि एसोचैम सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन के सर्वे में क्या निकल कर सामने आया है। इसके मुताबिक शहरों में 2% महिलाएं हैवी स्मोकर्स हैं, जो रोजाना एक पैकेट से ज्यादा सिगरेट पीती हैं, जबकि 12% महिलाएं एक दिन में 2 या 3 सिगरेट पीती हैं। 40% महिलाएं लाइट स्मोकर हैं, जो कभी कभी 1 या 2 सिगरेट पीती हैं। महिलाओं पर किए गए इस सर्वे में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद और पुणे जैसे शहरों की 20 से 30 साल की 2000 महिलाएं शामिल रहीं और इसके नतीजे से साफ पता चलता है कि बड़े शहरों में स्मोकिंग करने वाली महिलाओं की तादाद तेजी से बढ़ रही है। जब उनसे बात की गई तो ज्यादातर कामकाजी महिलाओं या लड़कियों ने काम से जुड़े तनाव को वजह बताया। कुछ ने कूल और इंडिपेंडेंट दिखने के लिए स्मोकिंग करने की बात कही। कईयों ने माना कि स्मोकिंग से वजन कम होता है, तो कुछ ने लड़कों की बराबरी करने की दलील दी। यानी तर्क ये है कि अगर लड़के सिगरेट पी सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं। डॉक्टर भी मानते हैं कि परंपरागत सोच को चुनौती देने और समाज में बराबरी और आजादी के तर्क के साथ कुछ महिलाएं स्मोकिंग शुरू करती हैं। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक महिलाओं की सेहत पर इसका खराब असर होता है। 35 साल से कम उम्र की लड़कियों में फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, खून की नली में सूजन और इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही लंग्स, ब्रेस्ट और कई तरह के कैंसर का खतरा होता है। प्रेगनेंसी में स्मोकिंग से प्रीमैच्योर डिलीवरी की समस्या हो सकती है। यानी पढ़ाई का तनाव हो या दफ्तर में काम का स्ट्रेस, अगर इसे दूर करने के लिए लड़कियां या महिलाएं सिगरेट का सहारा लेती हैं तो उनका तनाव तो कम नहीं होगा, उल्टे मुश्किलें बढ़ सकती है। यहाँ लड़कियों या महिलाओं में सिगरेट या तंबाकू सेवन की समस्या के दूसरे पहलुओं को भी समझना जरूरी है, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक भारत में बहुत कम उम्र में लड़कियां स्मोकिंग की शुरुआत करती हैं। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के मुताबिक भारत में 9.5 साल की उम्र में लड़कियां स्मोकिंग शुरू कर देती हैं, जबकि लड़कों में 10.5 साल की उम्र से स्मोकिंग की शुरुआत होती देखी गई है। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 15 साल से ऊपर की करीब 9% लड़कियां तंबाकू का इस्तेमाल कर रही हैं और शहरों से दोगुनी लड़कियां गांव में तंबाकू किसी न किसी रूप में ले रही हैं। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। इसके मुताबिक 10 साल से कम उम्र में ही 38% बच्चों ने सिगरेट की शुरुआत की। इसमें लड़कों की तादाद ज्यादा है, लेकिन लड़कियां भी ज्यादा पीछे नहीं हैं। अगर सिगरेट या तंबाकू के सेहत पर खराब असर को सही तरीके से नहीं समझाया गया
तो सिगरेट का जहरीला धुआं एक बड़ी आबादी के लिए समस्या बन जाएगा। स्वास्थ्य के नजरिए से आमतौर पर सभी युवाओं और खास तौर पर लड़कियों को आगाह करने के लिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सिगरेट की लत क्यों खतरनाक है, इससे किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसे हमने समझाया डॉक्टर इम्बली से। आजकल के जमाने में जो स्मोकिंग का चलन चल गया है और वो यंगस्टर्स में ही काफी हो गया है। मैंने पहली बार अपने बेटे के स्कूल के सामने वो नोटिस लगा देखा जिसमें मनाही थी कि स्कूल के आसपास 500 गज की दूरी तक कोई भी नशीली पदार्थ नहीं बेची जाएगी या स्मोकिंग धूम्रपान नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चेंज भी हो रहा है, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट को देखते हुए ये बहुत खराब है और पहले ही हमारे लंग्स पॉल्यूशन से वीक हो गए। अब उस पर सोने पर सुहागा अगर लड़कियां लेडीज स्मोकिंग खासतौर से करने लगे तो हम बात करें, 5000 पॉल्यूटेंट हैं एक सिगरेट के धुएं में, जो हम देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते। वो सब लंग में जब जाते हैं तो लंग में बिल्कुल ऐसे ही धुआं लग जाता है जैसे आपके पकाई हुई कचौरी पूरी रोटी तवे पे जल जाती है ना, वही काम लंग्स में धुआं करता है। एक जमाना था जब हम लोग कहते थे कि लेडीज में लंग कैंसर मर्दों के मुकाबले में एक तिहाई होता है, लेकिन आज स्मोकिंग और प्रदूषण के वरदान के बाद हमको ये कहना पड़ रहा है कि 50-50 बराबर बराबर होता है। तो लंग कैंसर से बचिए, धूम्रपान छोड़िए, अच्छी आदतें अपनाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए और अच्छे फल फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट्स खाइए और नींद भर के सोइए। आखिर क्या वजह है कि कम उम्र में बच्चे या फिर युवा सिगरेट का कश लगाना चाहते हैं? एक सर्वे में करीब 20% छात्रों ने माना है कि वो विज्ञापन देखकर सिगरेट की तरफ आकर्षित हुए हैं। जानकार मानते हैं कि विज्ञापन के अलावा फिल्मों का भी असर इस पर है। एक्टर और एक्ट्रेसेस की नकल करने के चक्कर में युवा सिगरेट आजमाते हैं। अब फिल्मों के अलावा ओटीटी भी है। देश में 40 से अधिक ओटीटी एप्स हैं जिनकी 42 करोड़ से अधिक ऑडियंस है और जानकार मानते हैं कि ओटीटी पर स्मोकिंग वाले सीन युवाओं को टोबैको का इस्तेमाल करने के लिए उकसाते हैं, लेकिन अभी तक ओटीटी पर न तो डिस्क्लेमर दिखाया जाता है और न ही चेतावनी दी जाती है। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने वर्ल्ड नो टोबैको डे पर जरूरी कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ओटीटी पर भी 30 सेकंड का ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही तंबाकू के से कैंसर होता है ऐसी वैधानिक चेतावनी भी वेब सीरीज के बीच में दिखानी जरूरी होगी। अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जा सकता है।